नमस्कार, मैं शालू वालिया, तोवा तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दम आलू की सब्जी। दम आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो आइए देखिए। ये मैंने लिए हैं आधा किलो के करीबन आलू, छोटे छोटे लिए हैं। इनको उबाल लिए, ठंडे होने के बाद मैंने फोग से इसमें छेद कर लिए। अदरक एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, तीन चार हरी मिर्ची, 8-10 कलियां लहसुन की और एक प्याज का हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और इसके लिए हमने लिए हैं टमाटर, टमाटर की हमने पेस्ट कर लिया है। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे। टमाटर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और इसके लिए चाहिए हमें दही, दही को मैंने फेंट लिया है। दही का स्वाद के लिए चाहिए हमें हींग, तड़के के लिए चाहिए हींग, 2-4 काली मिर्ची, 2 तेज पत्ते, 3-4 लौंग, 2 हरी इलायची और तेल। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है, गैस को चालू कर लिया और अब हम इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें अब हम ऑयल डाल देते हैं, ये गर्म हो गया। चलो तो अब हम देखते हैं अपना तेल गर्म हो गया है क्या। हाँ, तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डालते हैं अपन तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्ची, इलायची, थोड़ी सी हींग। आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा हींग डालती हूँ। 1/4 चम्मच जीरा, गैस को एकदम कम रखेंगे, मीडियम गैस पर चौंकाने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट तैयार किया हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्ची का, डाल देते हैं गैस का हम मंदा रखेंगे। चम्मच की सहायता से हम इसको घुमाते रहेंगे, ये थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसको पकने देंगे। एक दो मिनट इसको पकने देना, ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर डालते हैं मसाले। इसके अंदर क्या क्या मसाले डालेंगे ये देखते हैं। 2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं इसमें डालती हूँ 1.5 चम्मच के लगभग। अब नमक कम ज़्यादा कर लो, जिसको जिसको खाना है उसी तरह से। इसमें अब हम इसमें डालते हैं, ये मसाला भून के तैयार है, तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी का बहुत अच्छा कलर आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। ये खट्टा होता है, इसलिए दम आलू भी खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं। इसको चम्मच से घुमा देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको, इसमें अपन थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको इसमें डाल देंगे। इसको हम पकने देंगे 2-3 मिनट, 2 मिनट पकने देंगे इसको मीडियम गैस पर। हो चुकी है अपन को, अब देखते हैं ये प्यूरी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हम साथ साथ घुमाते रहेंगे चम्मच की सहायता से, नहीं तो दही फट सकता है और
गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि दही जल्दी गर्म हो जाए और अपना दही फटे नहीं। इसको चम्मच से घुमाते रहेंगे धीरे धीरे और दही को फटने नहीं देंगे। अब इसी टाइम हम डाल देते हैं थोड़ी सी सौंफ, 2 चम्मच इसमें सौंफ डाल देते हैं। सौंफ का बहुत ही स्वाद होता है इसके अंदर, दम आलू में सौंफ डालने से बहुत टेस्टी हो जाती है। अब हम इसको 2-3 मिनट तक ऐसे घुमाते रहेंगे, 2 मिनट घुमाएंगे और इसी में आलू डाल देंगे। ये मैंने तैयार रख रखे हैं, छोटे छोटे आलू हैं, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ धीरे धीरे। 1-2 आलू का अपन मैश करके भी डाल सकते हैं इसके अंदर और डाल दो, इससे प्यूरी बहुत अच्छी बनती है। मीडियम गैस पर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, ढक के छोड़ देंगे और 3 से 4 मिनट पकने देंगे। ढक देते हैं, प्लेट लगा देते हैं और मीडियम गैस कर देते हैं, 2-3 मिनट तक पकने देंगे इसको। हम देख लेते हैं अपनी सब्जी बनके तैयार है क्या, 3-4 मिनट हो चुकी है। हाँ, सुगंध अच्छी आ रही है और सब्जी भी अपनी बनके तैयार है। इसमें मैंने सौंफ पिसी हुई डाली थी, उसकी अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आती है सौंफ से, और अपनी सब्जी भी बनके तैयार है। लग रहे हैं अपने आलू बन गए हैं, ग्रेवी भी बनके तैयार है। इसको अपन को लगे हैं 3-4 या 5 मिनट लग गई है, 15 मिनट लग जाती है सब्जी बनाने में, सब्जी बन के रेडी है। अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला थोड़ा सा, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा डाला है और घुमा दिया है चम्मच की सहायता से। अब हम इसमें डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया, ये सब्जी बनके अपनी तैयार है। तो अब हमने गैस बंद कर दिया है और सब्जी बनके तैयार है। ये अपन परोस सकते हैं गरम गरम पराठे या रोटी के साथ। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।